जाते हो कॉलेज जाते हो। फ्रंट पे जो डिजाइन बना है ना वो काफी नीट एंड क्लीन है। इसके फ्रंट पे आप देख सकते हो, कोड भेज देना। तो शॉपसी से स्मॉल सेट पे करने वाली हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके साथ में शॉपसी कुर्ता हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये सारे के सारे सूट अंडर 300 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। 300 से कम ही में मिलेंगे आपको। 300 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं है इन कुर्तों का प्राइस। एंड क्वालिटी कैसी है, आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, बहुत सारे कम प्राइस में आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आप जाके देख सकते हो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन के साथ में, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो ये 5 कुर्ता एंड कुर्ता सेट हैं जो कि मैंने लिए हैं शॉपसी से। इससे पहले मैं शेयर करूंगी जो भी प्राइस है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे ना कुछ याद नहीं रहता है एग्जैक्टली प्राइस क्या है। तो ये मैंने कुर्ता लिया है, ये देखने में ना काफ़ी सुंदर लग रहा था। प्राइस के अकॉर्डिंग बोलूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से कैसा है। कलर भी काफ़ी प्यारा, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। धागे की कढ़ाई हो रखी है पूरे सूट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये सूट है कैसा, मैं वेयर भी करके दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके की ये फ्लावर टाइप से ना ये धागे की कढ़ाई हो रखी है यहाँ पे पूरे सूट में, आपको इस तरीके से मिल जाएगी। लेंथ घुटनों से नीचे है इसकी लेंथ, पहनूंगी तो आपको पता चल जाएगा कैसा है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे धागे की कढ़ाई किस तरीके की हो रखी है। ये यहाँ पर इस तरीके से बटन टाइप में दे रखा है, बटन नहीं है, बटन की तरह। दूर से देखने में ऐसे लगेगा कि बटन ही है। ओके, तो मैंने ये एम साइज में मंगाया है। बाजू फुल बाजू मिल जाएगी एंड बाजू में भी ना कुछ इस तरीके की लेस लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये कॉटन मिक्स है, प्योर कॉटन नहीं है, बट ये समर्स के लिए ना काफ़ी अच्छा है। आप समर्स में इसको पहन सकते हो। फ्रंट एंड बैक साइड में देख सकते हो, एकदम प्लेन है। एंड मैं आपको इसका प्लाजो दिखा देती हूँ। प्लाजो में कुछ चीज़ मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, वैसे मैं दिखा देती हूँ आपको। एंड लेंथ काफ़ी सही है इसकी, लेंथ आप देख सकते हो। बॉटम है ना, बॉटम में इस तरीके की पॉम्पॉम मिल जाएगी, जो कि नहीं भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये पॉम्पॉम से इतना भी कोई खास लुक नहीं लग रहा। पिक्चर में ज़्यादा अच्छा लगा था बिकॉज वो कुछ अलग टाइप का था, तो थोड़ा सा बट ना ओवरऑल ये प्लाजो काफ़ी सही है। ये यस, मैं प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पहनने पर लुक में देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ओके, तो ये है इसका प्लाजो। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये रेड कलर का कुर्ता। ये मैंने ग्रीन में ऑर्डर किया था बट मुझे रेड में मिला, फिर मैंने इसको नहीं चेंज नहीं किया, तो छोड़ो कोई नहीं, फिर कभी देखूंगी। बट ये कलर मुझे प्यारा लगा था। फ्रंट पे जो डिज़ाइन बना है ना वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी सुंदर लग रहा देखने में। प्राइस की बात करूँ, प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। कपड़ा भी इसका काफ़ी सही है, रेयॉन का कपड़ा है इसका। एंड इसकी बाजू फुल लेंथ मिल जाएगी, बाजू पे भी कुछ इस तरीके की कढ़ाई मिल जाएगी, देख सकते हो आप। काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काम काफ़ी अच्छा किया गया है। प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा किया गया है, देख सकते हो। दोनों बाजू में इस तरीके की कढ़ाई मिलती, पीले पीछे से पूरा प्लेन है। एंड जो ये चाक होते हैं ना, चाक पर भी वैसे ही कढ़ाई है जैसे कि बाजुओं पे दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक, आप देख सकते हो। पहनने के बाद आपको अच्छे समझ आ जाएगा ये दे पहनने में कैसा लगेगा। तो आप देख सकते हो फुल सामने से कितना प्यारा है। ये सारे कुर्ते जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऑफिस कॉलेज गर्ल के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है एंड आप डेली यूज में भी इनको पहन सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास ये येलो कलर का कुर्ता। ओके, तो ये है मेरे पास येलो कलर का कुर्ता, देख सकते हो। ये भी कॉटन मिक्स है कुछ कपड़ा, तो आप देख सकते हो। येलो कलर का कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके फ्रंट पे आप देख सकते हो सीक्वेंस का काम हो रखा है और सीक्वेंस में ना बहुत अच्छे वाले लगे हुए हैं। धागे की कढ़ाई हो रखी है पूरी, बहुत ही नीट एंड क्लीन धागे की कढ़ाई हो रखी है। फुल बाजू मिल जाएगी, फिर यहाँ तक आपको मिल जाएगी कोने से नीचे थोड़ी सी। बाजू पे भी कुछ इस तरीके की कढ़ाई हो रखी है, सीक्वेंस का काम हो रखा है दोनों बाजुओं पे। एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये टसल लगी हुई और यहाँ पे एक डोरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप भान के थोड़ा सा लुक आपका अच्छा लगा है। अरे ये जो डोरी है थोड़ी पतली होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, चाहो तो ये डोरी निकाल के यहाँ पे कोई बटन भी लगा सकते हो। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। ओके, तो पीछे आप देख सकते हो पीछे एकदम प्लेन है। लेंथ साइज की बात करूँ, लेंथ साइज भी मुझे काफ़ी सही लगा। थोड़ा फिटिंग में ना थोड़ा सा मुझे ऐसा सा सीधा सीधा लग रहा था, बाकी फिटिंग मैं करा लूँगी इसकी, फिटिंग करा के काफ़ी अच्छा लगेगा। हल्दी वगैरह में इसको पहन सकते हो। इतने प्राइस में इतना अच्छा कुर्ता मिल रहा है आपको, वर्थ इट है, टोटल वर्थ इट है। तो नेक्स्ट है मेरे पास रेड कलर का कुर्ता सेट है ये, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अंडर 300 में इतना अच्छा कुर्ता मिल रहा है, वो भी सेट। वाओ, क्या ही बोलूँ, इसको निकाल के दिखाती हूँ। पहले आप खुद देखना, खुद ही बोलोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस कुर्ते की। तो कुर्ते की लेंथ काफ़ी सही है, कुर्ते की लेंथ घुटने से काफ़ी नीचे मिल जाती है, देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का, इसका जो नेक है ना मुझे बहुत प्यारा है, इस तरीके के नेक मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ऑफिस कॉलेज गर्ल हो ना तो बहुत सुंदर लगेगा इस तरीके के कुर्ते पहन के, अगर आप ऑफिस जाते हो कॉलेज जाते हो बहुत अच्छे लगेंगे। ओके तो यहाँ देख सकते हो इस तरीके की आपको कढ़ाई मिल जाएगी, इसमें गोल्डन थ्रेड नहीं होता है जो, उस थ्रेड से इसमें वर्क किया हुआ है। बाजू इसकी फुल मिल जाएगी और बाजू पे भी इस तरीके की गोल्डन थ्रेड में इस तरीके का वर्क मिल जाएगा आपको दोनों में। और बाकी नीचे पूरी प्लेन है, बॉटम में भी सब कुछ प्लेन है, पीछे भी प्लेन है, बट इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत सटल सा और बहुत ही सिंपल सा काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये मैंने एल मंगाया है, इसमें एम साइज़ मैंने मंगाया था, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट आ रहा था तो इसलिए मैंने उसको एक्सचेंज करके एल साइज़ मंगाया है। ओके नेक्स्ट जो इसके साथ का प्लाजो है, प्लाजो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप खुद देखो फुल लेंथ मिल जाती है प्लाजो की। इसके अंदर मियानी भी लगी हुई जिससे कि पहनने में ना दिक्कत नहीं होगी, बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगी, आपको कंफर्टेबल लगेगा पहनने में। इलास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, इलास्टिक वाइज भी तो जो 280 में आई थिंक ये पड़ा है, मैं यहाँ पे मेंशन तो कर दूंगी प्राइस, बट 280-90 के बीच का ही प्राइस है। उतने में आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी। सोचो कपड़ा भी नहीं आता है, आप कपड़ा खरीदोगे उसकी सिलाई दोगे फिर उसमें इंटरलॉक कराओगे तो आपको शायद ही 400-500 रुपये का पड़ जाएगा, शायद ऊपर से ही पड़ जाए। और 300 में आपको दोनों चीज़ें मिल रही है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप देख सकते हो पूरे में प्रिंट किस तरीके का हो रखा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है। रेड कलर इस पर बहुत सुंदर लग रहा है एंड बहुत ही ब्राइट सा होता है ना, बहुत सुंदर है बहुत। ये तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इसको तो ले ही लेना अगर आपको ये शॉपसी पे दिख जाए तो, मतलब मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट मेरे पास ये है। सच बोलूँ ना मैंने ये वाला मंगाया था, आप देख सकते हो ये वाला मंगाया था और मेरे पास ना ये रिसीव हुआ है। हालांकि ये फोटो वीडियो में आपको अच्छा लग रहा होगा ज़रूर। कपड़ा इसका थोड़ा सिल्की सिल्की टाइप जैसा नहीं होता, ये वैसा वाला कपड़ा है। ये उतना मतलब एक्सपेक्ट जो किया था ना वो चीज़ नहीं आई है। और दूसरा ये टाइट भी है मेरे को, तो मैं इसको एक्सचेंज भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये पहनूंगी नहीं सच बताऊँ तो ना, इसलिए मैंने इसको एक्सचेंज भी नहीं किया है। एक तो ये है, इस पर जो प्रिंट है ना ये वैसा वाला प्रिंट है जो धुलने के बाद काला पड़ जाता ना, ये कुछ वैसा सा प्रिंट है इसके अंदर। एंड देख सकते हो बॉटम में कुछ इस तरह सा प्रिंट मिल जाए। अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से ले सकते हो। 135 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा है, ओनली 135 का। तो आप लेना चाहो तो उसको ले सकते हो, बट ये वाले जो प्रिंट होते हैं ना ये मुझे उतने खास पसंद नहीं आते हैं। रीज़न यही है कि ये धुलने के बाद काले पड़ जाते हैं और फिर पहनने में उतना अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप बेशक से इसको ले सकते हो इस तरीके। और कोई आपको दिख जाता है शॉपसी पर, अगर आप लिंक मांगो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कोई पेड नहीं है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इनसे, तो मैं अगर मांगोगे तो ही मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज़ आप सर्च करके भी देख सकते हो शॉपसी पे। तो ये है, पीछे भी इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा आपको, देख सकते हो यहाँ पर। कपड़ा ऐसा है कि आप बहुत लंबे टाइम नहीं चला सकते हो, बस ये है कि प्राइस के हिसाब से जितना चल जाए उतना चल जाए। तो ये है मेरे पास लास्ट कुर्ता, ठीक है मेरे पास कुर्ते। अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद आ रहा है मुझे बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। और हाँ, अगर आप कोई और ऐप से चाहते हो कि मैं उनका रिव्यू करूँ प्रोडक्ट खरीद के, तो मुझे कोड के साथ में या लिंक के साथ में ना कमेंट में छोड़ देना। मैं वही प्रोडक्ट, लेकिन वो एक ही ऐप से होने चाहिए तभी मैं उनको लूँगी। अगर आप मीशो से कुछ चाहते हो कि मीशो से मैं कोई प्रोडक्ट्स परचेज करूँ रिव्यू करूँ, तो मुझे ना कोड भेज देना डायरेक्ट मेरे कमेंट में, मैं इनको उसी कोड से मैं उस चीज़ को बाई कर लूँगी। और बाई करने के बाद आपके साथ प्रोडक्ट शेयर कर दूँगी कि वो एक्चुअली में कैसे हैं कैसे नहीं, ताकि आप देख लो और आपको पता चल जाए कि वो कैसे हैं और आप भी बाई कर सको। क्योंकि कोई चीज़ बाई करने से पहले वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे या फिर टाइम वेस्ट जाएगा कि आपको फिर खरीदना, फिर आपको पसंद नहीं आया, फिर आपको रिटर्न करना। कई बार तो रिटर्न करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चीज़ें रिटर्न होती भी नहीं है, मीशो पे ऐसा अक्सर हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को देखना ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो उससे पहले रिव्यू करवाना, तो मुझे इसका लिंक शेयर कर देना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ऐसा ना, एंड कमेंट करके प्लीज़ बताने की वीडियो कैसी लगी आपको। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बटन के साथ में, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चल मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।